मोदी शाह की भाजपा की संस्कृति है अपनी हर छोटी बड़ी योजना को बेतहाशा प्रचार करना। अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा ही करते हैं, इसलिए भाजपाई मुख्यमंत्री भी यही लकीर पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए भले ही कुछ ना करें, लेकिन अपना प्रचार जमकर करते हैं। इसी कड़ी में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जमकर प्रचार किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर एक अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल मिलता है। अन्य कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल मिलता है। मोदी सरकार ने जमकर शोर मचाया कि कोरोना काल में सरकार ने राशन को दुगना कर दिया है। महीने की 15 तारीख तक प्रदेश व इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से राशन वितरण होता है। अकेले अलीगढ़ जिले में स्टेट फूड कॉरपोरेशन से हर महीने 7,650 टन गेहूं व 5,102 टन चावल का वितरण किया जाता है। इस बार जो गेहूं और चावल जिले की 1,350 राशन की दुकानों पर पहुंचा है, उसमें से 15 से 20 फीसदी सड़ा गला और कंकड़ मिला हुआ है। फूड कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने आंखें बंद करके ये अनाज राशन की दुकानों में भेज दिया। अब राशन डीलर और ग्रीन उपभोक्ता आमने सामने हो रहे हैं। इसके चलते गरीब जनता को खुले बाजार से महंगे दामों पर अनाज खरीद कर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये मिलावट की किसने? जानकारों का मानना है कि ये हिमाकत स्टेट फूड कॉरपोरेशन के जिले के 12 गोदामों पर भी की गई हो सकती है। विपक्ष के विरोध के बाद योगी सरकार हो सकता है इस मिलावट और न खाए जा सकने वाले अनाज को बदल भी दे, लेकिन इतने समय गरीब आदमी को बाजार के धन्ना सेठों के भरोसे छोड़ना भी किसी साजिश से कम नहीं है। बेहतर होगा सीएम योगी अपने सच्चे राजधर्म का ही पालन करें और गरीबों को कोरोना और बेरोजगारी के इस दौर में इस अत्याचार से बचाएं।